VVPAT is important to some extent, not that much, but more important is electoral reforms. Electoral reforms and Representation of People Act 1951. The Representation of People Act 1951, आप इसको जो है कहाँ से पढ़ेंगे? लक्ष्मीकांत, Representation of People Act 1951. After this Representation of People Act, the first election India में कब हुआ था भाई? पहला election कब हुआ था? 1952. That was the first election. Now, which one was this election? ये election क्या हुआ था? ये election क्या हुआ election है MP का? Which number? 52 में first हुआ था. देखिए 17th, 17th लोक सभा election नहीं. ठीक है. Representation of People Act इस context में हमें जो है अभी Election Commission of India. When we are discussing about Election Commission of India, then we have to see those sections. These sections mein Election Commission of India, it is a multi-member body. Nahin. Do bar multi-member body bana tha. Ek bar TN session jab the, us time multi-member body bana tha. Phir kuch din ke liye nahi tha. Phir baad mein aaya. Multi-member body. Election Commission of India, sometimes they do ask questions. Halaki jo news hai, news hamare exam perspective se important nahi hai. कि टैली ईवीएम वीवीपैट स्लिप बिफोर फाइनल काउंटिंग अपोजिशन टेल्स ईसी. लेकिन लास्ट ईयर वीवीपैट और ईवीएम से क्वेश्चन आ चुका है. लास्ट ईयर के सिविल सर्विस एक्ट में आपको जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा था वो क्वेश्चन आ चुका है. लेट मी सी वेदर आई द क्वेश्चन इज ईयर 2018 का शायद सिविल सर्विस एक्ट का था. तो एक क्वेश्चन था ईवीएम एंड वीवीपैट मशीन का, है ना. सो 2017 नहीं 2018. दिस क्वेश्चन वाज देयर समवेयर इट इज रिटन दैट हाउ द ईवीएम एंड वीवीपैट मशीन आर डूइंग सर्टेन थिंग्स रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. यही क्वेश्चन था. करें नहीं, आई विल शो इट टू यू सब्सिक्वेंटली. ठीक है. सेकेंड न्यूज जो है वो आपका बोल रहा है कि पीएम डिक्राइज अटेम्प्ट टू डिनिग्रेट इंटीग्रिटी ऑफ पोल्स. दैट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट. बाकी कोई जरूरत नहीं है उसका. हिंदी हार्टलैंड एग्जिट पॉलिसी और जो एग्जिट पोल्स वगैरह की जो बात कर रहा है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम के लिए. इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट अस कम टू द एडिटोरियल पेज सीधा, क्योंकि बीच में मैंने देखा था रिगार्डिंग द वेदर्स. है ना, वेदर्स के बारे में आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी आप हम लोग एयर पॉल्यूशन पढ़ चुके हैं. एयर पॉल्यूशन अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज देख लीजिए 301 नो यस 301 और 302 वीडियो जो है हमारा एयर पोल्यूशन का. उसका जो पोस्ट स्क्रिप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पोस्ट स्क्रिप्ट आपको समझना है, पढ़ना है. उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ टर्म्स यूज कर रहे थे, जैसे पैन की बात कर रहे थे, पेरोक्सिल एसाइल नाइट्रेट, PM2.5, PM10, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स. एयर क्वालिटी इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग दो चीज़ पिछले न्यूज में डिस्कस किए थे, CAP एंड GRAP, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान एंड गाइडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. विच वन इज लॉन्ग टर्म? CAP, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान इज लॉन्ग टर्म, GRAP इज शॉर्ट टर्म. PM2.5, PM10 यहाँ दिया हुआ है. हम लोग ये भी बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इमिशन नॉर्म्स क्या है, जैसे कि 6 गैसेज वी आर देयर. हम लोग UNFCCC के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे नहीं, कि इसमें क्या है, कि जिनेवा राउंड में क्या हुआ था. उससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे रियो डी जनेरो में क्या हुआ था, UNFCCC में 1992 में डिफरेंट राउंड्स में डिस्कस किया था. दैट इज ऑलवेज अभी भी इम्पॉर्टेंट है, क्लाइमेटिक चेंज के कॉन्टेक्स्ट में अभी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. फॉरगेट द डील, रिटर्न आवर वाटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे आर टेलिंग अबाउट द वाटर कॉन्फ्लिक्ट, है ना. तो हमारे दो राज्यों में हमेशा लड़ाई चलती रहती है पानी को लेकर. नहीं, यमुना रिवर लिंकिंग कनाल हो गया, चाहे कावेरी वाटर डिस्प्यूट हो गया, अभी पोलावरम प्रोजेक्ट हो गया. तो दिस टॉपिक जो है हमेशा कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होता है. ये आपका बात हो रहा है महाराष्ट्र का कोयना डैम. कोयना डैम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. किस कॉन्टेक्स्ट में कोयना डैम पहले हम लोग जानते हैं? कोयना डैम हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग अर्थक्वेक पढ़ेंगे
उस टाइम में हम लोग कोयना डैम के बारे में पढ़ते हैं, अर्थक्वेक की ज्योग्राफी है ना, फिजिकल ज्योग्राफी। अर्थक्वेक के टाइम में हम लोग कोयना डैम पढ़ते हैं। क्या हुआ था कोयना में, तो वाटर लेवल हाई हो गया, तो वाटर जब हाई होता है तो पानी का भी तो वेट होता है ना, वाटर डिजॉल्वेशन से हम वेट, उसका प्रेशर पड़ता है लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर, और उस प्रेशर से एक सीजनिसिटी डेवलप करता है, अर्थक्वेक का वेव्स फॉर्मेशन डेवलप करता है, बिकॉज प्रेशर पड़ा ना नीचे का रॉक्स के ऊपर में प्रेशर पड़ता है, उसके अर्थक्वेक का एक सीजनिसिटी का एक प्रेशर डेवलप रहता है। माइल्ड भी अर्थक्वेक आएगा तो रॉक पर ऑलरेडी प्रेशर पड़ा हुआ है, रॉक डिस्टेबलाइज किया और हैवॉक बड़ा होगा, है ना। लाइक टेहरी डैम इन उत्तरकाशी है ना, उत्तराखंड, टेहरी डैम जो है गंगा पे है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है टेहरी डैम के ऊपर का, देवप्रयाग, कोट प्रयाग, सभी प्रयाग का नाम पूछता है, बोलता है कौन पहले है कौन बाद में, है ना। तो मैप बनाना है तो लिख लीजिए आप, है ना, कि आपको टेहरी डैम का मैप बनाना है, उसके ऊपर के कौन कौन से रिवर कहाँ, अलकनंदा कहाँ से आता है, भागीरथी कहाँ से आता है, ये मैप वर्क इज इम्पॉर्टेंट टेहरी का। एनी हाउ हम बता रहे थे आपको कोयना डैम, वो लिख लीजिए वैसे कॉन्टेक्स्ट में, टेहरी डैम का मैप बना के आपको देखना है कहाँ से कौन कौन रिवर आता है। इसमें बोल रहा है कोयना डैम का बारे में, महाराष्ट्र विल नॉट साइन ए वाटर फॉर वाटर एग्रीमेंट विद कर्नाटका। कर्नाटका को पता है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे वाटर शेड मैनेजमेंट में, ड्राई लैंड फार्मिंग, 55% ऑफ द पॉपुलेशन आर डिपेंडिंग ऑन दी ड्राई लैंड फार्मिंग, अभी पढ़ रहे थे। कर्नाटका ऑलरेडी वाटर थर्स्टी स्टेट है, बहुत प्यासा है, उसको पानी बहुत है। बेंगलोर में तो इतना बुरा हाल है कि बेंगलोर में तो पानी कुछ दिनों के बाद होगा कि पेट्रोल पानी दोनों में से कौन ज़्यादा इजली अवेलेबल होता है, आदमी को पीने का पानी नहीं मिलेगा, है ना, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि बेंगलोर का किसी तरीके से पानी दिया जा रहा है, तो बेंगलोर शहर बढ़ता जा रहा है। अभी एक कारण और भी है बेंगलोर शहर का, भी हमारे लिए काम के लिए इम्पोर्टेंट है कि बेंगलोर शहर के ज़्यादातर IT हब्स जो है, अभी एक दूसरा शहर में जाएगा जिसका नाम है अनंतपुर। अनंतपुर कहाँ, तेलंगाना में, पैडी फील्ड है वो, लेकिन बेंगलोर का IT हब वहाँ शिफ्ट करेगा। कोई शिफ्ट करेगा, मेन कारण वहाँ पानी नहीं है, बेंगलोर में पानी की कमी है, तो लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे अब उधर शिफ्ट करें ताकि हम जो है वहाँ पर एक अच्छा टाउनशिप डेवलप हो रहा है, दैट इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। कर्नाटका टिल इट गेट्स ए बैक ओवर 6,000 मिलियन क्यूबिक फीट 6 TMCFT ऑफ सप्लाई फ्रॉम कर्नाटका विच एज ओनली रिटर्न 0.078 CMFT। महाराष्ट्र को कर्नाटका उतना पानी रिटर्न ही नहीं कर रहा है जितना कोयना से ले रहा है, समवेयर इट हैज़ टू रिटर्न इट बैक। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नया फील्ड है, दैट इज फॉर द महाराष्ट्र कर्नाटका के बीच का वाटर पैक्ट, एक नया कन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है। पहले हम लोग देखते थे डिफरेंट स्टेट्स में कावेरी वाटर डिस्प्यूट या पोलावरम प्रोजेक्ट, अभी ये कोयना के ऊपर में भी अब के न्यूज से शुरू हो रहा है, इट इज गेटिंग अवर इम्पोर्टेंस, ये हमको धीरे धीरे इसको पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आपका एडिटोरियल में आ जाते हैं, एनजी टू रेस्क्यू ओवर 6900 बैनियन ट्री। बैनियन ट्री बरगद का पेड़ नहीं, बैनियन ट्री जो है इट्स ए ग्रेट इकोसिस्टम। बैनियन ट्री अपने आप में एक बड़ा इकोसिस्टम होता है क्योंकि तो इसके ब्रांचेज काफ़ी फैले होते हैं, उसके एरियल रूट्स निकलते हैं और एरियल रूट्स जहाँ पकड़ लेता ज़मीन में वहाँ से कोई सपोर्ट सिस्टम लेने लगता है, नहीं यही होता है ना बैनियन का करेक्टरिस्टिक। तो बैनियन ट्री को डिस्टेबलाइज करना आसान है, मान लिया कि बैनियन ट्री कहीं प्रोजेक्ट के सामने आ रहा है तो इसका तरीका भी हो सकता है कि हम बनियान ट्री को रूट्स के साथ निकाल लें और इसको ले जाकर दूसरे जगह पर हम उसको कट करके अलग अलग रूट्स को, ब्रांचेज के साथ एरियल रूट्स निकला होगा, कट करके हम उसको अलग अलग लगा दें और उसको पानी मिलता रहे तो जिंदा रह जाएगा, है ना, उसका कंपेट काफ़ी अच्छा है। तो ये बड़ा कॉमन सेंस अप्रोच है, लेकिन इस कॉमन सेंस अप्रोच पे भी हमारे क्वेश्चंस कितनी बार बन जाते हैं ना, बहुत बड़े क्वेश्चन बन जाता है। देखा कि यह डिकेट्स ओल्ड नंबरिंग ट्री 1000 को चॉप करेगा, एक्सपेंशन करेगा और हैदराबाद बीजापुर नेशनल हाईवे है उसको जो है सो आपको पूरा डिस्टेबलाइज करके दूसरे जगह लगाएगा। ट्री के प्लांटेशन से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि हमारा कार्बन सिंक बन जाता है, क्या बनता है, कार्बन सिंक,
तो कार्बन सिंक के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं पानी से, रूट से वाटर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिला के हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, C6H12O6, और हम लोग ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यही थर्ड इज दैट द पाकिस्तान फिशिंग वेसल कॉट आफ्टर हॉट परस्यूट टू। तो पाकिस्तान का फिशिंग वेसल, आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका के साथ हम लोगों का वाटर जो है फिशिंग वेसल्स को लेकर हमेशा प्रॉब्लम होता रहता है। समुद्र के अंदर में तो बाउंड्री डिफाइन नहीं हो सकते कि ये इधर का एरिया इधर है, तो समुद्र है वो ओपन सी टाइप का है। अब वेसल इधर से उधर चला गया, पकड़ के ले गए। पाकिस्तान में गुजरात एरिया में भी यही प्रॉब्लम होता है, तो बहुत मुश्किल है उसका डिफाइन बाउंड्री करना। तो ये हमेशा प्रॉब्लम लगा रहता है। ये कहाँ पर का प्रॉब्लम है? गुजरात का प्रॉब्लम है, गुजरात के एरिया का प्रॉब्लम है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल जोन पर हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, तो उसको जो है देखना है। ये एक पोर्ट है, जिस पोर्ट के बारे में थोड़ा सा न्यूज में आ रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। इसका नाम है जखाऊ पोर्ट, JAKHAU पोर्ट, जो गुजरात के भुज के आसपास में, भुज से थोड़ा आगे है। तो जखाऊ पोर्ट कराची से बहुत दूर नहीं है, है ना? इधर भुज है, उधर कराची है, तो काफ़ी ज़्यादा इस पोर्ट के आसपास में वाटर को लेकर प्रॉब्लम होता है। एक है सर क्रिक कनाल, एक कनाल है जिसमें कि आधा कनाल आपको पाकिस्तान का हो जाता है, आधा कनाल इंडिया का हो जाता है। कभी कभी हम लोगों को इंडस वाटर ट्रीटी पूछना इम्पोर्टेंट, इंडस वाटर ट्रीटी पूछा भी आई है एक बार एग्जाम में, तो हम लोग को उसमें सरक्रिक कनाल भी लिखने की ज़रूरत पड़ती है, समझ लें। क्योंकि सरक्रिक कनाल जो इंडस का ही है, इंडस का बैक वाटर उसमें जाता है और उसके पानी को लेकर भी परेशानी होती रहती है। तो सिर्फ सतलज के समय इंडस का प्रॉब्लम नहीं है, एक हमारा गुजरात के पास भी इंडस का प्रॉब्लम है ना। इस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखना है। तो ये आपका न्यूज का एक ये टाइम डोमेन इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट डोमेन है जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जर्मनी विल डू इट्स बेस्ट टू प्रिवेंट वाइल्ड शॉक्स हियर इन वाइल्ड। जर्मनी जो है आपको किस कॉन्टेक्स्ट में, वाइल्ड शॉक्स मतलब ईरान। ईरान में क्या प्रॉब्लम है अभी? JCPOA अमेरिकन डिक्टेट, US का डिक्टेट, US का डिक्टेट है। उस कॉन्टेक्स्ट में ईरान का जो है न्यूक्लियर पॉलिसी इन दी वेस्ट एशिया, क्या कॉन्टेक्स्ट में? न्यूक्लियर पॉलिसी। अभी मेन मामला क्या है डोनाल्ड ट्रंप का, कि उनको है कि भाई आप जो है ईरान वाले न्यूक्लियर जो है वो मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये तो JCPOA तो खत्म हो गया इसी कॉन्टेक्स्ट में बात। JCPOA इज नो मोर देयर। अब क्या है कि उसको एक ईरान इज बीइंग कॉर्नर्ड आउट कि आपका न्यूक्लियर मटेरियल आप इकट्ठा कर रहे हो। जर्मनी बोल रहा है कि हम जो है जो प्रॉब्लम अमेरिका क्रिएट हो रहा है, वी वांट दैट शुड बी स्टेबलाइज्ड। हम इस प्रॉब्लम को नहीं होने देंगे, क्योंकि एक बार न्यूक्लियर वाला प्रॉब्लम वेस्ट एशिया में आ गया तो पूरे वर्ल्ड को वायल का शौक लगता रहेगा, तेल मिलने का परेशानी लगभग पड़ता रहेगा। तो जर्मनी का जो आपका एम्बेसडर है टू इंडिया, वो इंडिया को बोल रहा है वही कि जर्मनी विल डू एवरीथिंग टू सेव द न्यूक्लियर डील विथ ईरान। न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए JCPOA में क्या था कि न्यूक्लियर डील को बचा दिया था JCPOA ने, ज्वाइंट कंसल्टेटिव प्लान ऑफ एक्शन जो था न्यूक्लियर डील को बचा दिया था। एज ए रिजल्ट क्या हुआ था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान के अंदर चली गई थी, उसने पूरा एजेंसी ने देखा था कि भाई ईरान के अंदर जो है न्यूक्लियर मटेरियल उतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, तो कुल मिला जुला के ईरान का सैंक्शन उठा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के उसने बोला कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, हमें मोसाड से ईरान के जासूसी जो है वहाँ से आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू आर हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल। तो इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने जो है अब सैंक्शन लगाने की बात फिर से करा, एम्बार्गो लगाने की बात करा। 1 मई को बोला इंडिया को इसके बाद आप तेल नहीं ले सकते इंडिया, है ना, ईरान से। बोला कि ठीक है इलेक्शन वेक्शन चल रहा थोड़ा टाइमिंग दे दो, तो इलेक्शन के बाद फिर मामला तो गर्म होगा ही होगा। तो अभी जर्मनी बोल रहा है कि नहीं, हम तो भाई चाहते नहीं है कि न्यूक्लियर डील जो है ये प्रॉब्लम हो। जर्मनी विल डू एवरीथिंग टू सेव द न्यूक्लियर डील, मतलब JCPOA टाइम में जर्मनी वाज ए पार्टनर, 5+1 जर्मनी वाज ए पार्टनर, तो ना वो चाहे कि नहीं अब इसको हम बचाएंगे।
न्यूक्लियर राइवलरी वुड ब्रेक आउट इन द वेस्ट एशियन रीजन इफ द न्यूक्लियर डील फेल अपार्ट. अगर ये न्यूक्लियर राइवलरी शुरू हो जाएगा, एक बार JCPO अगर ईरान जो है निकल गया, बोलेगा कि हम न्यूक्लियर मटेरियल बनाएंगे बनाएंगे, तो कौन रोकेगा? तो वो बनाएगा तो और कौन बनाएगा? सऊदी अरबिया बोलेगा हम बनाएंगे, इराक बोलेगा हम बनाएंगे, तो फिर वार शुरू हो जाएगा ना, मतलब होड़ शुरू हो जाएगा और इट विल बी ऑन द ब्रिंक ऑफ वार. तो कोई भी जो मैच्योर कंट्री हो यही चाहेगा कि नहीं, इस तरह का सिचुएशन नहीं बने, अब मिलजुल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले. क्योंकि तो ईरान के साथ ज़बरदस्ती करना जो है आज के समय की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी. नहीं तो ये बातों को समझाने का टाइम अभी आ गया. जर्मनी की जो एंजेला मार्कर है वो तो इंडिया आने वाली भी है ना. तो इंडिया जब आएगी, वहाँ के जो चांसलर है, जर्मनी के चांसलर कहते हैं वहाँ पर एंजेला मार्कर, शी विल कम टू इंडिया. और यहाँ आने के बाद हो सकता है कि इंडिया, जर्मनी, रशिया, चाइना, ये सब मिलके एक रास्ता निकाले कि ईरान का एम्बार्गो कम हो. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर मेन एग्जामिनेशन है ना. तो आप लोग लिखे भी इसका आंसर, ग्रेजुअली इसको और हम लोग डिफाइन करते रहेंगे. टाइम टू रिबिल्ड इंडिया सेकुलरिज्म, हर्ष मांदर का आर्टिकल है, वेरी गुड आर्टिकल. ये आपका एडिटोरियल पेज का फर्स्ट लीड आर्टिकल है. हर्ष मांदर बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात बोलता है कि इस इलेक्शंस में अगर कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, दैट इज सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट. कल हम लोग डिस्कस किसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे सेक्युलरिज्म का, नहीं सेक्युलरिज्म इज द सोल ऑफ द नेशन. नहीं, सेक्युलरिज्म वर्ड तो हमारे प्रियम्बल में है, नहीं है. इंडिया, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Secular word तो है हमारे preamble में भी है, हर जगह हमारे मिलते हैं secular word. But the point is that कि secular word मिलने के बाद हम लेकिन secularism को proper way में उसके soul को नहीं समझ पा रहे हैं. पहले समझते थे, इस election से हमें नहीं दिख रहा है. क्यों? क्योंकि even जो opposition है, चलिए हम बीजेपी की बात कि दिस राइटिस्ट विंग की हम बात नहीं करते हैं. हर्ष मांदर इज टेलिंग वी नॉट टॉकिंग अबाउट राइटिस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द अपोजिशन. अपोजिशन ने इलेक्शन में सब बात किया, दे हैव टॉक्ड अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, दे हैव टॉक्ड अबाउट पॉवर्टी, दे हैव टॉक्ड अबाउट एवरी अदर इशू लाइक और क्या क्या है, फार्मर डिस्ट्रेस, ये सब बात किया. बट दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट सेकुलरिज्म, कि हमारा सेकुलरिज्म शोल्ड जो है हमारा खतरे पे है. दे हैव नॉट टॉक्ड, मतलब कि अपोजिशन को तो बात करनी चाहिए सेकुलरिज्म पे कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, कितना बड़ा लिंचिंग हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, द माइनॉरिटीज का खतरा है. इस बारे में अपोजिशन बात डर से नहीं कर रहा है. इट शोज दैट कि इंडिया में सेकुलरिज्म की बात ही कोई नहीं कर रहा है. दिस आर्टिकल इज एज सच मतलब इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता थोड़ा सा क्योंकि सेकुलरिज्म कंसेप्ट एशिया पेपर के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है. कहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है? एशिया के लिए. और एशिया के लिए हमें पढ़ना कहाँ से सेकुलरिज्म? एक तो न्यूज़पेपर, यहाँ से कुछ हमें लेंगे कुछ कुछ कंसेप्ट न्यूज़पेपर से. दूसरा पढ़ेंगे कहाँ से? क्लास 11 का टेक्स्ट बुक पोलिटिकल थ्योरी. कहाँ पर? क्लास 11 का पोलिटिकल थ्योरी में सेकुलरिज्म के ऊपर में पूरा चैप्टर है. और उस साइंस 11 पढ़े हो? नहीं पढ़े तो तुम लोग तो PCM वाले हो. तो क्लास 11 का जो है पॉलिटिकल थ्योरी एक किताब है और उसमें सेकुलरिज्म एक चैप्टर है. उसमें काफ़ी सारा सोशल जस्टिस वगैरह भी है. और उस सेकुलरिज्म पे हम लोगों का बना, उसी चैप्टर का बनाया हुआ एक वीडियो भी है जिसमें कि हम लोगों ने सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से सेकुलरिज्म पे आपको हम लोग समझाते हैं. वो आपका है इंग्लिश एशिया पेपर है ना, फर्स्ट GS पेपर 1, 2, 3, 4 के ऊपर में ऐसे लिखा होगा. ऐसे में जाओगे 117 वीडियो है सेकुलरिज्म. उस वीडियो के साथ अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ते हो तो यू विल बी इन अ गुड पोजिशन टू राइट अ स्मॉल राइट अप ऑन सेकुलरिज्म. अच्छा आप एक लिख सकते हो, है ना, यू शुड डू इट. तो ये आपका एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है बींग रिस्पॉन्सिव. दिस दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट कमीशन. ह्यूमन राइट कमीशन अभी जनेवा में बात कर रहा है, बोल रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है. इंडिया स्टैंड ले रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर के बारे में बात करोगे तो हमारे सॉवरेंटी हमारे से पर खतरा है, हमारे पुलवामा में लोग मारे गए, तो प्लीज़ डोंट टॉक.
बट द पॉइंट इज दैट कि इसमें हमें देखना है कि भाई यूएन के जिनेवा में हमें भी तो अपने कुछ व्यू पॉइंट समझाने होंगे कि हम लोग वाकई में ह्यूमन राइट वायोलेशन नहीं हो रहा है, जो खतरा है वो है, बट ये ह्यूमन राइट वायोलेशन के जो जितने केसेज बताए जा रहे हैं वो केसेज वैसे हैं कि सिविलियन पॉपुलेशन के साथ एट्रोसिटीज हुआ, सिविलियन पॉपुलेशन से। भाई आप ह्यूमन राइट वायोलेशन में सबसे बड़ा विक्टिम कौन होता है, वो इज द विक्टिम ऑफ द ह्यूमन राइट वायोलेशन, सबसे बड़ा कौन विक्टिम होता है सोसाइटी में, कोई भी चीज़ में सबसे बड़ा विक्टिम कौन होता है, पब्लिक में कौन, हम लोग मतलब ह्यूमन नहीं, ह्यूमन में कौन, आपकी फैमिली में कोई भी वायलेशन होता है या किसी सोसाइटी में होगा तो सबसे ज़्यादा कि आपकी फैमिली पे ऊपर ही कोई प्रॉब्लम होता है, डकैती हो गई एक बात करो तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको रहता है, सबसे ज़्यादा खतरा यंग गर्ल्स को होता है, नहीं नहीं होता है, सोचो ध्यान से, कॉमन सेंस, सबसे ज़्यादा खतरा जो है कम उम्र की लड़कियों को होता है, नहीं जिनकी उम्र जो है 14 साल से लेके 25-26 साल के बीच में होगी, उन्हीं सबसे ज़्यादा खतरनाक पोजीशन में रहती है, उन्हीं का सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी भी होता है, दे आर सब्जेक्टेड टू ऑल सॉर्ट ऑफ एट्रोसिटीज, नहीं तो ये जो प्रॉब्लम है ये तो वाकई में ह्यूमन राइट वायोलेशन से नहीं है। yes, अगर आपको आर्मी का एक्सरसाइज करना है तो हाउ दिज गर्ल्स आर बीइंग वल्नरेबल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस बात को नहीं ला रहा है लेकिन यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट कमीशन इस बात को लेकर पकड़ रहा है कि 69 केसेज निकालता है या 200 केसेज निकालता है, तो वो ऐसे केस निकालते हैं जहाँ की लड़कियों के साथ व्यभिचार किया गया है बाई दी आर्म फोर्सेज, तो बाई समबडी फोर्सेज, आर्म फोर्स नहीं है, दे आर दी पैरामिलिट्री, आर्मी वाले जाते नहीं है, दे आर दी CRPF इस तरह के थिंग्स है, वट एवर कुड बी द रीजन, बट वायलेशंस तो है, हमें इस पॉइंट को तो ध्यान देना होगा ना, जम्मू कश्मीर में SGBA इट्स ऑल राइट, बाकी सब ठीक है, इवन यंग मेल पॉपुलेशंस हो सकता है दे आर इंगेज इन टेररिज्म एक्टिविटीज, बट वट द प्रूफ यू आर हैविंग फॉर द वुमेन गर्ल्स की लड़कियों का कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में है, तो वहाँ तो बड़ा मुश्किल उनको प्रूफ इस्टेब्लिश कर पाना, इवन इफ सो दे शुड बी गिवन सम अदर ट्रीटमेंट, आर यू गेटिंग द पॉइंट, तो इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है कि हमें वर्ल्ड लेवल पे अपने ह्यूमन राइट के एफर्ट्स को हमें स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, इफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर फाइंडिंग कि अगर प्लेस है वो अगर देते हैं हमको डाटा, और देते भी है डाटा, और हम लोग इसको सीधे सीधे और टाइटली रिजेक्ट ना करके उसकी इंक्वायरी करें, नहीं वी मस्ट टू इंक्वायरी, इंक्वायरी करके हम लोग एलिमिनेट करें कि कौन सा ह्यूमन राइट वायोलेशन है या कौन सा नहीं है, ठीक है ना, कि किसी भी कंडीशंस में टेररिज्म एक्टिविटीज में हाउ द वुमन कैन बी वल्नरेबल, नहीं आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो दिस पॉइंट हैज टू बी सीन, जो कि ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यूएन चार्टर जो है हमारा ह्यूमन राइट कमीशन का और हमारा इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हमारे जो है दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि वर्ल्ड के फोरम में इस बात को समझने की और समझाने की ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे, The government must ensure justice in case of human rights violation in Jammu and Kashmir. How far do you agree with this statement? Definitely. Human rights violations किस तरीके, पहले उसका नेचर समझना होगा, नहीं नेचर समझने के बाद हमको देखना होगा कि what type of the cases are there. तो डाटा बता रहा है 2018 में हमारे पास मैक्सिमम केसेज ऐसे आए हैं जिन केसेज में जो है किड्स बच्चे और महिलाएं विक्टिम ज़्यादा हुई हैं, उनका साथ रेप हुआ है, उनके साथ प्रॉब्लम हुआ, तो वो चीज़ों को हमको समझना, अगर इफ डिसीज हो तो इसको हमको काउंटर करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज वर्ल्ड लेवल में हमारा भी पोजीशन डाउन होगा। तो दिस इज अबाउट द टुडेज न्यूज पेपर एनालिसिस, तो हमारा एक बार फिर से हम लोग ले लेते हैं क्या क्या हमको करना है आज के न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में, एक थोड़ा सा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे 5 लाइन लिख लीजिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लक्ष्मीकांत की किताब से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को हेल्प कर लेते हुए, दूसरा आपका है कोयना डैम का लोकेशन देखिए, कोयना डैम अगर टाइम मिले तो सेकुलरिज्म वाला वीडियो सुन लीजिएगा सेकुलरिज्म का, और इस आर्टिकल के साथ इसको लिंक कर लीजिएगा, तो हमारे कितने सारे होमवर्क हो गए,
एक हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको करना था। दूसरा हो गया आपका वाटर यूज एफिशिएंसी, पल्स मिलेट्स, और आपका हो गया थोड़ा सा इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का, ज़्यादा नहीं लिखना, पाँच छः लाइन लिखना। कोयना डैम का लोकेशन देख लीजिए। और हाँ, एक ये था कि जखाऊ पोर्ट का भी मैं आप बना लीजिए, जखाऊ पोर्ट कहाँ पर देख लीजिए। क्या बोल रहे थे, इंडियन एक टेहरी डैम का, टेहरी डैम सर, मैं टेहरी डैम में कि कौन सा देव प्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी, सब कहाँ कहाँ से। तो मैप वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या कभी भी आपको कहीं किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट से पूछेगा ही पूछेगा, है ना।